विजयदशमी के पावन अवसर पर देशभर में दिखा उल्लास का माहौल। दिल्ली के लाल किला पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने किया रावण दहन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश में भी दिखा विजयदशमी पर्व का उत्साह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान श्री राम और उनकी सेना का विधि विधान से किया पूजन अर्चन। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और गंदगी के लिए नागरिकों से संकल्पित होने का किया आह्वान। दशहरा के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देशभर में आयोजित किया पथ संचलन कार्यक्रम। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हुए शामिल। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी आयोजित हुए पथ संचलन कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक सप्ताह तक चलने वाले दशहरा उत्सव की हुई शुरुआत। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रथ यात्रा में लिया हिस्सा। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है कुल्लू दशहरा। देश विदेश के सैलानी लेते हैं हिस्सा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा। शहीद जवानों को युद्ध स्मारक पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। सीमाओं पर जाकर सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक सुरंग का पता लगाया। आशंका जताई जा रही है कि सुरंग को आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बनाया गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस घोषित। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए सिंगल क्लिक पेंशन योजना की घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पदभार ग्रहण करने के बाद 3 अक्टूबर को अपनी पहली विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। अफ्रीका के जिबूती और इथियोपिया में लेंगे कई कार्यक्रमों में हिस्सा। 45 साल बाद इथियोपिया के दौरे पर जाएगा कोई भारतीय राष्ट्रपति। हज के मुकद्दस सफर के बाद हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी। 30 सितंबर को 7वीं हज उड़ान से 150 श्रद्धालुओं की हुई वापसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने किया स्वागत। आज 1 अक्टूबर से बैंकिंग संबंधी नियमों में हुए आंशिक बदलाव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस की सीमा 5000 से घटाकर 3000 की। SBI उन सहयोगी बैंकों के चेक नहीं लेगा जिनका विलय आज से स्टेट बैंक में हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां एक दिवसीय मैच नागपुर में। 5वां मुकाबला जीतने पर टीम इंडिया को ICC वनडे रैंकिंग में फिर से हासिल हो सकता है शीर्ष स्थान। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद रूस और चीन समेत 9 देशों को अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किया प्रतिबंधित। कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाली विश्व चैंपियनशिप में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। 2008 और 2012 ओलंपिक में भाग लेने वाले वेटलिफ्टरों के करीब 3 डोपिंग टेस्ट के पुनः विश्लेषण करने के बाद लिया गया निर्णय। 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अभिनेता टॉम ऑल्टर का हुआ निधन। लंबे समय से कैंसर से थे पीड़ित। फिल्मों के अलावा कई धारावाहिकों में किया है काम। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में भी रहे हैं मशहूर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त OP रावत 3 और 4 अक्टूबर को आएंगे मध्य प्रदेश। 3 अक्टूबर को इंदौर और 4 को भोपाल में करेंगे ERO नेट की तैयारियों की समीक्षा। भारत मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया ERO ऐप का निर्माण। शारदीय नवरात्र के समाप्त होते ही मौसम के मिजाज में दिखा परिवर्तन। हवा का रुख बदलने से रात के तापमान में आई कमी। उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रात के तापमान में आई 2 डिग्री तक की गिरावट। दिन के तापमान में तेजी बरकरार।